लोई बर्गर के ये कोरियन चिकन मिंग्स दिन के किसी भी टाइम KFC से ऊपर रखूँगा। अंदर है भाई ये चिकन पैटी, अनियन रिंग्स, लेटस। बर्गर मैंने कभी छुआ तक नहीं था, और उस टाइम मैं देखा करता था मैन वर्सेस फूड। सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर मुकबंग। आज का मुकबंग कार मुकबंग होने वाला था वैसे, बट सुबह से नोएडा में हो रही है बारिश और कल भी फोरकास्ट में बारिश ही लिखी हुई है, जिसकी वजह से कार मुकबंग मेरे को स्किप करना पड़ा और आज दोबारा से हम इस घर में मकबैंग कर रहे हैं। तो लोई बर्गर से है मेरे पास, तो लोई बीस्ट लैम बर्गर, एनिमल सॉस, ग्रिल्ड लैम पैटी, इंग्लिश चेडर, कैरमलाइज्ड अनियन, टोमेटोज, ग्रीन्स। साथ में मैंने इसमें ऐड कर रखा है एक फ्राइड एग। साथ में मेरे पास ग्रिल्ड AF चिकन बर्गर, ट्रफल मेयो, ग्रिल्ड चिकन, अनियन रिंग्स, इंग्लिश चेडर, बेस्ट इंजॉयड विद स्पाइसी मेयो डिप। और इसमें भी मैंने एड ऑन में कर रखा है एक फ्राइड एग। बंस देखो भाई, इन दोनों के बहुत ही ज़्यादा गजब के लग रहे हैं। साथ में मेरे पास इनके कोरियन चिकन विंग्स और एक कैरमल चीज केक। वहीं कैप्टन ग्रब से है मेरे पास क्रिस्पी बटरफ्लाई चिकन बर्गर, और इसी के साथ है मेरे पास पेरी पेरी फ्राइज। नाउ विदाउट एनी फर्दर एडो, फटाफट से करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट अपनी परंपरा के साथ। थैंक यू सो मच गॉड फॉर दिस फूड एंड फॉर एवरीथिंग एल्स। कैप्टन बर्गर भी मैंने पहले वीडियो में खा रखा है और लोई बर्गर भी मैंने पहले वीडियो में खा रखा है। और इसलिए आज मैंने सोचा कि दोनों को मिला के देख लेते हैं कैसा होता। दोनों ही चीज़ें गजब हो रही हैं। कोरियन चिकन विंग्स, कोरियन चिकन विंग्स या बारबेक्यू चिकन विंग्स याद नहीं आता। भाई बढ़िया हो रहे हैं। शायद से ऐसे चिकन विंग्स मैंने पहले कभी नहीं खाया। सेसमे सीड डाल रखे हैं, बारबेक्यू सॉस में डिप्ड है और बहुत ही बेहतरीन हो रहे हैं। हुआ कुछ ऐसा, सामान सब मेरा आ चुका था, लाइट चली गई, इन्वर्टर ऑन था बट इन्वर्टर कंटिन्यूसली बीप कर रहा था। मैंने इन्वर्टर हटा के मेंस में लगाया, लाइट ही नहीं आती, बाकी हर जगह लाइट आ रही थी। क्योंकि आज दिन में बारिश हो रही थी तो मेरे को लगा लाइट का पंगा हो ही रहा होगा, बट जब काफ़ी देर हो गई आसपास वालों से पता करा तो सब जगह लाइट आ रही। फिर इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, फिर सिर्फ हमारे घर में कुछ पंगा हो रखा था, पता नहीं क्या ट्रिप ट्रिप हो रखा था मीटर से ही। MCB तो अंदर ही है, वो तो मैंने देख ली थी, वहाँ कुछ नहीं था, मेन मीटर से कुछ पंगा था। इसको छोड़ने का मन नहीं कर रहा। बहुत ज़्यादा स्वीट, स्पाइसी, थोड़ा सा सॉल्टी। मैं बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट बोलने आ रहा हूँ, कोई पेड प्रमोशन नहीं है,
कुछ डील नहीं है। मैं लोई बर्गर के ये कोरियन चिकन मिंग्स दिन के किसी भी टाइम KFC से ऊपर रखूंगा। पीछे रख देते हैं, ये अपना खत्म हो चुका है। बट सॉस इसमें अभी भी है। कलर देख रहा हूँ। आप लोगों को बताइए कोरियन सॉसेस के लिए मेरा टेस्ट डेवलप हो चुका है और मुझे बहुत बेहतरीन लगता है वो टेस्ट। सबसे पहले भाई ये वाला बर्गर उठाते हैं। अंदर है भाई ये चिकन पैटी, अनियन रिंग्स, लेटस, एक और एड ऑन्स मैंने फ्राइड एग करवाया था। इनका बन देखो भाई, बन देख के इनका मन खुश हो जाता है। एनीवे लेट्स जस्ट डाइव इनटू दिस, लेट्स सी हाउ इट इज। थोड़ा सा इनका ये स्पाइसी मेयो डिप के साथ ट्राई करते हैं। एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा, लोए बर्गर से जब भी आप ऑर्डर करो ना तो थोड़ा डिस्क्रिप्शन पढ़ के ऑर्डर करना, क्योंकि इनके काफ़ी बर्गर्स में बेकन वगैरह भी यूज़ होता है, टेंडरलाइन यूज़ होते हैं, तो उनको देख के ही ऑर्डर करना भाई अच्छे से। वरना ऐसे बहुत सारे बर्गर से शक्ल से दिखने में बड़े बेहतरीन लग रहे थे, मैंने डिस्क्रिप्शन पढ़ा तो बेकन था तो नहीं मंगा पाया। इसको खाकर थोड़ा नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है, वो अर्ली एज फील हो रही है जब मैं बंट के खाया करता था। बर्गर मैंने कभी छुआ तक नहीं था और उस टाइम मैं देखा करता था मैन वर्सेस फूड, जिसमें ऐसे बहुत से बर्गर्स दिखाए जाते थे। और मैं यही सोचता था यार कि फॉरेन में ही मिलते होंगे ऐसे बर्गर्स। और अपन उस टाइम बन टिक्के में खुश थे। आई एम ग्लैड इस चैनल की वजह से मैं अलग अलग जगहों का खाना ट्राई कर पा रहा हूँ। अंदर भाई इनका ट्रफल में ही हूँ जो कि बेहतरीन हो रहा है। चिकन की पैटी है, एक चीज का स्लाइस है, थोड़े से पिकल्स, मेयो, बस। मुझे पिकल पसंद नहीं है बट हैलापेनोस चल जाएंगे। बाय द वे ट्यूजडे को भांग में आ रहे हैं, उनके वीजा का काम है। तो ट्यूजडे को भांग में आ रहे हैं, दिल्ली के फूड अलग अलग ट्राई करने वाले हैं। उन्होंने राजू चुड़चुड़ना नहीं खाया कभी और मुझे वो बढ़िया लग रहा है, तुमको वहाँ लेके जाऊँगा। ये समझना बहुत मुश्किल है कि इसके अंदर ना सूखे बने हैं, जैसे इसको तो थोड़ा सा फ्राई करता खाए बिली, ये सूखे बने हैं, कोई एक्स्ट्रा सॉस नहीं है, लेटस वगैरह कोई इतना खास डाल नहीं रखा है, सिर्फ एक चिकन की पैटी है, एक चीज़ स्लाइस है, हैलापेनोस है और थोड़ा सा मेयो है, बट उसके बावजूद बहुत ही बेहतरीन टेस्ट आ रहा है यार।
मतलब इतना बेहतरीन टेस्ट आ रहा है कि मैं ये मेयो वगैरह डाल के रून तो नहीं करना चाह रहा हूँ, बट मेन चीज का टेस्ट खराब कर देते हैं लोग। दूसरा वाला ट्राई करके देखते हैं। ये वाला बढ़िया हुआ। एक चीज़ जो मुझे अपने बर्गर पिज़्ज़ा किसी भी चीज़ में पसंद नहीं है, टोमेटोज, ये है कैरमलाइज्ड अनियन। देखने में ये टेंडर लाइन जैसा लग रहा है। ये फ्राइड एग मैंने इसमें ऐड ऑन करवाया है। ये है लैम पैटी, यहाँ थोड़े से लेटिस के पत्ते हैं, थोड़ा सा मेयो है। टोमेटोज मैं वैसे ही खा सकता हूँ। देखते हैं भाई इनका द लोई बीस्ट लैम बर्गर कैसा है। थोड़ा सा टेस्ट चेंज करते हैं। ऑनेस्टली बहुत बेहतरीन हो रहा है, बट बहुत हैवी है। ऐसा लग रहा है ब्रेन को सिग्नल भेज रहे हैं कि भाई मैं बहुत हैवी हूँ, तुम पूरा नहीं खा पाओगे। एक चीज़ मुझे अच्छी लगती है बर्गर्स के बारे में, कोई सी भी आप पैटी वगैरह मंगवा दो ना, तो अदरक वगैरह का ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है। ऑलमोस्ट एक एक मिनट के इंटरवल में इसका एक बाइट लिया जा रहा है मतलब। अच्छा वही पहले नहीं खाया मैंने। शायद से ये तीन बर्गर्स मेरे आज तक के सबसे हैवी तीन बर्गर हैं जो मैंने एक वीडियो में खाया। एंड ऑनेस्टली इतनी मोटी पैटी मैंने पहली बार खाई है, वो भी लैम्ब। टू बी ऑनेस्ट बाय द एंड इसका टेस्ट खत्म हो चुका है, मतलब मेरा इतना पेट भर चुका है, अब मेरे को नमक के अलावा ऐसे कुछ और टेस्ट आ नहीं रहा है। और ऐसा मेरे मकबैंग में बहुत कम होता है, जब भी ऐसा होता है मैं खाना रोक देता हूँ। जब मज़ा नहीं आ रहा खाने में तो खा के फ़ायदा क्या, ज़बरदस्ती नहीं खाना चाहिए। टेस्ट ऐसे नहीं आ रहा, बट मुझे पता है कि अगर मैं इतना सा बचाऊँगा तो ये कूड़े में ही जाएगा, और इतना महंगा बर्गर मैं वेस्ट नहीं करना चाहता। मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ इसे खाऊँ अभी या ना खाऊँ, खाने का भी मन नहीं करना मेरा फोक। ऐसे ही खा के देखते हैं भाई, देखते हैं कैसा है कैसा नहीं है। लोई बर्गर से मंगा रखा है, एक्स्ट्रा मीठा कर दिया है शायद से, ऊपर से इन्होंने इसमें कैरमल डाल रखा है शायद से, बट ये जो भी चीज़ ऊपर से डाल रखी है इसको एक नेक्स्ट लेवल मीठा बना रही है। और इतना भी मीठा मेरे को चीज़ केक पसंद नहीं है, बिस्कॉफ चीज़ केक मेरे को पसंद है, और बिस्कॉफ का जो मीठा बन रहता है उतना ही बढ़िया लगता है, मतलब मेरे हिसाब से चीज़ केक में उससे ज़्यादा मीठा ना अजीब सा हो जाता है मुझे। ये ठीक ठाक लगा मुझे, बट लोई बर्गर के जो बाकी दोनों बर्गर थे भाई गजब थे, अमेजिंग। कैप्टन ग्रिप का जो इकलौता बर्गर मंगाया था भाई, उसने भाई नेक टू नेक टक्कर दी है अपने लोई बर्गर के दोनों ही बर्गर्स को, बहुत ही बेहतरीन था। मैं ये बोल सकता हूँ गारंटी से कि इन तीनों में से आप कोई सा भी बर्गर ट्राई करोगे तो आप रिग्रेट नहीं करोगे, कुछ ना कुछ आपको एक नया एक्सपीरियंस और एक नया टेस्ट ही मिलेगा
फ्राइड एग ऐड कर देना बस अपने लोहे बर्गर के बर्गर में, सब आपको बढ़िया लगने वाला है। और हाँ, इनके कोरियन विंग्स भी भाई बहुत ही ज़्यादा गजब हुए, और कैप्टन ग्रब के फ्राइज अमेजिंग। ट्यूजडे को दिल्ली के फूड ट्राई करने निकलने वाले हैं बहन बयान में, जो आपको मेरे व्लॉगिंग चैनल में देखने को मिल जाएगा। यहीं कहीं आपको एंड स्क्रीन में मेरे व्लॉगिंग चैनल का भी आइकन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली मेरे व्लॉगिंग चैनल पे भी पहुंच जाओगे, उधर जाके आप मेरे सारे वीडियोस चेक कर सकते हो। आई थिंक दिस इज इट फॉर टुडे, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीस।